हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कैलेंडर के कुछ अनोखे पैटर्न के बारे में जानेंगे। गग्गू आज सभी गांव वालों को जादू दिखा रहा है। उसने स्टेज पर एक विशाल कैलेंडर बनाया है। पहले उसने दो लोगों को स्टेज पर बुलाया। बब्बन और चंदा तुरंत स्टेज पर पहुंच गए। उसने चंदा और बब्बन दोनों को एक एक तारीख चुनकर उस पर एक घेरा बनाने को कहा। उन्हें तारीख चुनते समय केवल इतना ध्यान रखना होगा कि वो तारीख महीने की आखिरी कड़ी या आड़ी रेखा में नहीं होनी चाहिए। चंदा ने 7 तारीख चुनी और बब्बन ने 19 तारीख चुनी। अब गग्गू ने उन दोनों से कहा कि वो अपनी अपनी चुनी तारीख और उससे तिरछी दिशा में लिखी तारीख को जोड़ें। चंदा ने इस तरह से 7 और 15 जोड़े। बच्चों, 7 और 15 जोड़कर हुए 22। वहीं बब्बन ने 19 में 27 जोड़े। 19 में 27 जोड़कर हुए 46। अब गग्गू ने चंदा और बब्बन से कहा कि उन्हें उनकी चुनी तारीख से अगली तारीख लेनी है और उससे पीछे की ओर तिरछे में लिखी संख्या से जोड़ना है। चंदा ने झट से 8 और 14 को जोड़कर 22 ही पाया और बब्बन ने भी 20 में 26 जोड़कर 46 की संख्या ही पाई। चंदा और बब्बन हैरान रह गए और सभी दर्शक जोर जोर से ताली बजाने लगे। गग्गू ने दर्शकों से कहा कि वे कैलेंडर की किसी भी तारीख को चुनकर ये जादू आजमा सकते हैं। आइए देखें गग्गू कैलेंडर पर और कौन सा जादू दिखा रहा है। गग्गू ने दर्शकों में से एक और व्यक्ति को स्टेज पर बुलाया। इस बार अप्पू स्टेज पर आया है। गग्गू ने अप्पू को कैलेंडर की कोई भी एक आड़ी रेखा चुनने को कहा। उसे केवल इतना ध्यान रखना है कि वो आड़ी रेखा अधूरी नहीं होनी चाहिए। अप्पू ने इन तारीखों वाली आड़ी रेखा चुनी। अब गग्गू ने अप्पू से पूछा कि इनमें से कौन सी संख्या इस आड़ी रेखा के बिल्कुल बीच में है। अप्पू ने तुरंत 15 की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वाली। अब गग्गू ने उससे पूछा कि इस संख्या का 2 गुना क्या होगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 15 का 2 गुना कितना होगा? बिल्कुल ठीक, 30। गग्गू ने कागज पर लिख दिया 30। अब गग्गू ने अप्पू को कहा कि उसे उस आड़ी रेखा के पहले और आखिरी संख्याओं को जोड़ना है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 12 में 18 जोड़ कितने होंगे? बिल्कुल सही, 30। अब गग्गू ने अप्पू से कहा कि अगर वो उस आड़ी रेखा की दूसरी और छठी संख्याओं को जोड़े तब भी उनका जोड़ 30 ही होगा। बच्चों, क्या गग्गू की बात सही है? जी हाँ, गग्गू की बात बिल्कुल सही है। यदि हम 13 में 17 जोड़ें, तब भी हम 30 की संख्या ही पाएंगे। अब अंत में गग्गू ने अप्पू से कहा
कि अगर वो उस रेखा की तीसरी और पांचवी संख्याओं को जोड़े तब भी उसका उत्तर 30 ही होगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 14 में 16 जोड़ें तो कितने होंगे? वाह वाह, ये भी 30 ही हुआ। गग्गू ने सभी दर्शकों को कहा कि वे कैलेंडर की कोई भी आड़ी रेखा में लिखी संख्याओं के साथ उसका ये जादू आजमा सकते हैं। दर्शकों ने गग्गू के कैलेंडर के जादू का खूब आनंद उठाया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने कैलेंडर के कुछ अनोखे पैटर्न के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कैलेंडर के कुछ और दिलचस्प पैटर्न देखेंगे।